बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान का विवादों से बेहद पुराना नाता रहा है। इन दिनों साजिद खान बिग बॉस 16 में दिखाई दे रहे हैं। जब से साजिद शो में आए हैं तभी से ही उन्हें लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कई एक्ट्रेसेस साजिद के बिग बॉस 16 में आने पर आपत्ति जता चुकी है। कई एक्ट्रेसेस साजिद को शो से बाहर निकालने की मांग कर चुकी है। हालांकि बिग बॉस को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक साजिद के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी बीच अब एक और मॉडल एक्ट्रेस ने साजिद खान पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। हम बात कर रहे हैं मॉडल नम्रता शर्मा सिंह की। मॉडल नम्रता शर्मा सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए साजिद खान पर ये आरोप लगाया कि साजिद ने उन्हें एक फिल्म की फीस डिस्कस करने के लिए बुलाया था। नम्रता ने कहा कि मैंने छोटी ड्रेस पहनी हुई थी और साजिद मुझे कमरे में ले गए। मुझे लगा कि वो फीस की बात सबके सामने करना नहीं चाहते, इसलिए वो मुझे कमरे में लेकर जा रहे हैं। आगे मॉडल ने कहा, जैसे ही मैं कमरे में गई उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर जाते ही साजिद ने मुझे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। आगे नम्रता ने कहा कि इसके बाद मैं इस घटना को भूल गई थी, लेकिन अब बिग बॉस में साजिद को देखने के बाद मेरे जख्म फिर से उभर आए हैं। बता दें कि नम्रता के हिसाब से ये घटना 11 साल पुरानी है। जी हाँ, 11 साल के बाद नम्रता ने इस बात को मीडिया के सामने शेयर किया। नम्रता ने कहा कि मुझे कई लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें इंडस्ट्री में रहना है तो साजिद खान के साथ संबंध बनाने होंगे, लेकिन ना तो मैंने ऐसा किया और ना ही इसके बाद मैंने साजिद से बात की। बताते चलें कि साजिद खान पर मी टू मूवमेंट के दौरान एक नहीं, दो नहीं बल्कि 10 अभिनेत्रियों ने आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, एक जर्नलिस्ट और दो एक्ट्रेसेस के जरिए ईमेल पर शिकायत भेजे जाने के बाद इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने साजिद को 2019 में फिल्म डायरेक्शन से बैन कर दिया था। वहीं फिल्म हाउसफुल 4 को डायरेक्ट करने वाले साजिद खान को उस वक्त फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।